गांव पीलेमंदोरी के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान में उपायुक्त ने की शिरकत। गांव पीलेमंदोरी के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त ने शिरकत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आगामी 13 से 15 अगस्त तक मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और जागरूकता के लिए राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पीलेमंदोरी में शुक्रवार को यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उपायुक्त प्रदीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया और स्कूली बच्चों व ग्रामीणों से हर घर तिरंगा अभियान बारे विस्तृत चर्चा की। उपायुक्त ने इस अवसर पर ग्रामीणों व स्टाफ सदस्यों को सम्मान स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी वितरित किया। स्कूली बच्चों ने भव्य देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इस अवसर पर गौरव सैनिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सामाजिक भागीदारी से सफल होगा। ग्रामीण और सभी बच्चे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है। तिरंगा को फहराने और इसके प्रति जागरूकता लाना हमारा कर्तव्य है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। इसमें भागीदारी से हमारी देशभक्ति की भावना जागृत होगी और यह हमारे द्वारा शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त को जिला भर में प्रत्येक घरों, प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों, शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए आमजन से तन मन से सरकार व प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग, नायब तहसीलदार बलराम जाखड़, BDPO विनय प्रताप सिंह, BEO प्रवीण मल्होत्रा, प्रिंसिपल प्रेम सिंह कादियान, मुख्याध्यापक अमरचंद पोनिया, नथुराम रविंद्र ढाका, सूबेदार दानीराम, कैप्टन राकेश ढाका, जय सिंह जाखड़, धर्मवीर गोरछिया, हनुमान कुकणा, सूबेदार राजाराम गोरछिया, DPE सतवीर बेनीवाल, श्रवण सिहाग, गोलूराम बिजल कड़वासरा, विजय सिंह जाखड़, जयप्रकाश शर्मा, रोहतास कड़वासरा सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे व ग्रामीण मौजूद रहे। भट्टू कला में स्वतंत्रता दिवस को लेकर गुप्तचर विभाग ने बढ़ाई चौकसी, चलाया जांच अभियान। भट्टू कला में स्वतंत्रता दिवस के आगमन को लेकर यहाँ शुक्रवार को गुप्तचर विभाग ने चौकसी बढ़ाते हुए जांच अभियान चलाया। गुप्तचर विभाग व सुरक्षा एजेंट ने संयुक्त रूप से गुप्तचर विभाग के SI अमित सिलगावा के नेतृत्व में अग्रवाल धर्मशाला, गोविंद प्लेस सहित अनेक स्थानों पर जाँच अभियान चला चेकिंग की। टीम में शामिल अमित कुमार, सुभाष, निहाल सिंह ने अनेक होटल ढाबा संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि वे उनके यहाँ ठहरने वाले लोगों का पहचान पत्र लें, नाम व पता अवश्य रजिस्टर में दर्ज करें। उन्होंने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखाई दे तो तुरंत भट्टुकला पुलिस या उन्हें सूचित करें। गांव मानावाली के ट्यूबवेल कुएं में गिरा भैंसा, हुई मौत। गांव मानावाली के एक खेत में बरसाती पानी से ओवरफ्लो ट्यूबवेल के कुएं में वीरवार शुक्रवार मध्य रात्रि भैंसा गिर जाने से उसकी मौत हो गई। रात्रि को ही ग्रामीणों को पता चलते ही JCB मशीन की सहायता से रेस्क्यू चला भैंसे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। ग्रामीण महावीर सीताराम धोड़ू प्रकाश ने बताया कि यह गांव का पंचायती भैंसा था। बरसाती मौसम में जल भराव से गांव के मदन के खेत में ट्यूबवेल कुएं में यह भैंसा जा गिरा। जब वे खेत संभालने को लेकर साईं ट्यूबवेल के कुएं के पास पहुंचे तो उसमें भैंसा गिरा हुआ मिला। हालांकि कुएं की गहराई करीब 5 फुट थी, लेकिन बरसाती मौसम के जल भराव से कुएं में गाद होने से भैंसा गाद में दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव सिरढ़ाण में निकाली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के प्रति जागरूकता का दिया संदेश। गांव सिरढ़ाण में शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच देवेंद्र गुज्जर ने की, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर ग्राम सचिव वीरेंद्र सिंह ने भाग लिया।
स्कूल प्रांगण में यात्रा को शुरू करने से पूर्व उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी आन बान शान है। देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश भर में अमृत महोत्सव के तहत देश प्रेम की भावना जागृत करते हुए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमें हर घर तिरंगा मुहिम में शामिल होकर आपसी भाईचारे की मिसाल को कायम करते हुए बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस दौरान स्कूल, जन स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी विभाग से अनेक कर्मचारी व ग्रामीण भी मौजूद रहे। भट्टू कलाम बस स्टैंड में चला पौधारोपण अभियान। भट्टू कलाम बस स्टैंड पर शुक्रवार को पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा रोडवेज लोहारू यातायात प्रबंधक सुभाष चंद्र ने भाग लिया। उनके द्वारा बस स्टैंड भट्टू कलाम में त्रिवेणी की स्थापना की गई। उनके साथ में राजाराम हुड्डा, राजेंद्र बगड़िया, रमेश कुमार बस स्टैंड इंचार्ज व बलजीत सिंह ढांड ने भी पौधारोपण किया। मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र ने भट्टू कलाम बस स्टैंड को हरा भरा देख उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पेड़ पौधों की हरियाली जहाँ सुंदरता को चार चांद लगाती है, वहीं पर्यावरण सुरक्षा बनाए रखने में यह सबसे बड़े सहायक हैं। हमारे जीवन व प्रकृति की सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। वहीं इसको लेकर हमें हर व्यक्ति को भी जागरूक करना चाहिए। इस अवसर पर अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे हैं।